अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे इफ्तार स्पेशल दही के समोसे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर हंग कर्ड लिया है, ये देखिए। मैंने इसको मलमल के कपड़े में टंगा कर रख दिया था दही को, तो इसका पानी अच्छे से निकल गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे कपड़े में से। ये देखिए, इसका पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल चुका है। अब हम इसको मिला लेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें कैरेट डाल देंगे, ग्रेट करे हुए गाजर है वो ऐड कर देंगे, शिमला मिर्च, हरा धनिया वो भी डाल देंगे, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हाफ स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़े से चिली फ्लेक्स। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आप दही के समोसे बनाने जाएंगे और बन जाएंगे दही की चटनी, फिर आप बोलेंगे नसरीन आपने बताया नहीं। तो ये देखिए, हमारी फिलिंग समोसों की रेडी हो गई है। अब हम समोसे बना लेंगे। तो ये देखिए, इस समोसा पट्टी को इस तरीके से अलग कर लेंगे हम, फिर दूसरे कच्चे कपड़े में रख लेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम, फोल्ड करके इसके बीच में से इसको कट कर लेंगे दो पीसेस में। हम समोसा बना लेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर मैदे का पेस्ट लगा लेंगे हम, फिर इसको भी फोल्ड कर लेंगे। दही की फिलिंग डाल देंगे अब हम इसमें। उसके बाद इसके कॉर्नर्स पर भी पेस्ट लगा लेंगे हम मैदे का। उसके बाद इसको भी अच्छे से फोल्ड कर लेंगे हम इस तरीके से। तो ये देखिए, हमारा समोसा रेडी हो गया है। ऐसे ही हम सारे समोसे बना के रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे समोसे बना के रख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। गैस पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम समोसों को फ्राई कर लेंगे, एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। अब हम इसको दूसरी साइड पर उठा देंगे। समोसे फ्राई हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारे समोसों को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे दही के समोसे बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बने हैं। आप भी इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिए। तो मिलते हो नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।